दोस्तों Qualcomm Snapdragon 660 और 710 दोनों ही बजट स्मार्टफोन्स के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन इन दोनों ही प्रोसेसर की गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। तो इन दोनों ही प्रोसेसर में PUBG 30 FPS पर लॉक्ड मिलता है, यानी गेमिंग के मामले में Snapdragon 660 और 710 दोनों ही नेटिवली PUBG को 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए Qualcomm ने तीन नए प्रोसेसर Snapdragon 665, 730 और 730G लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों प्रोसेसर के गेमिंग एस्पेक्ट पर बात करेंगे। Snapdragon 660 के ऊपर हमें Snapdragon 665 में गेमिंग से रिलेटेड अपग्रेड्स देखने को मिले हैं। Snapdragon 660 14 नैनोमीटर प्रोसेस पर बेस्ड प्रोसेसर था, वही Snapdragon 665 11 नैनोमीटर प्रोसेस पर बेस्ड है, यानी स्मार्टफोन काफी ज्यादा बैटरी इफिशियंट होगा और इसकी हीटिंग भी उतनी ज्यादा नहीं होगी। GPU के मामले में Snapdragon 660 आता था Adreno 512 GPU के साथ, वहीं अब नया Snapdragon 665 आता है Adreno 610 के साथ, यानी यहां हमें Adreno 500 सीरीज से सीधा एक सीरीज अपग्रेड Adreno 6 सीरीज का GPU मिल रहा है। इसके आउटकम की बात करें तो Snapdragon 665 में हमें सीधा PUBG मोबाइल अल्ट्रा FPS और हाई सेटिंग्स पर चलता दिखेगा, यानी Snapdragon 665 PUBG मोबाइल को 40 FPS और हाई सेटिंग पर हैंडल कर सकता है। हालांकि आप GFX टूल से इस प्रोसेसर पर भी 60 FPS यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है Snapdragon 730 और 730G। दरअसल ये दोनों ही प्रोसेसर स्पेशली गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है। Snapdragon 730 और 730G 8 नैनोमीटर प्रोसेस पर बेस्ड है, जिसमें कि दो कोर्स हाई परफॉर्मेंस क्रायो 470 के मिलते हैं और 6 कोर्स एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं। जीपीयू में हमें यहां एड्रीनो 618 मिलता है और Snapdragon 730G में एड्रीनो 618 का ओवरक्लॉक्ड वर्जन मिलता है। ये ओवरक्लॉक्ड 730 से 15% ज्यादा है 730G में, यानी रियल लाइफ परफॉर्मेंस पर आएंगे तो दोनों ही प्रोसेसर गेमिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और PUBG जैसे हैवी गेम को भी एक्सट्रीम FPS यानी 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर चला पाएंगे। Qualcomm ने इन तीनों ही प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया है और इन प्रोसेसर्स के साथ स्मार्टफोन मिड 2019 से आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी गेमिंग के ट्रेंड को देखते हुए Qualcomm ने तीन गेमिंग प्रोसेसर बजट के रेंज में लॉन्च किया है। अब हम फ्यूचर में बजट में भी अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।